ये गलतियां करनी अगर आप बंद कर दोगे ना गाइस, तो 7 दिन के अंदर ही आप सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखने वाले हो गाइस। गाइस हैंडसम तो आप दिखना चाहते हो, बस कुछ मिस्टेक्स होती है आपकी डेली की, मिस्टेक्स जो आप करते हो उस मिस्टेक्स की वजह से आप हैंडसम नहीं बनने वाले हो या नहीं बन सकते हो गाइस। अगर आप उन मिस्टेक्स को छोड़ देते हो तो आप 100% मैं गारंटी लेता हूँ हैंडसम बन जाओगे। आप मोटे पतले काले गोरे जैसे भी हो गाइस, आप हैंडसम दिखने वाले हो। बात ये नहीं है कि भाई गोरे लोग हैंडसम होते हैं काले लोग नहीं होते, नहीं गाइस, आप गोरे लोगों को टक्कर दे सकते हो अगर आप काले हो, और आप गोरे हो तो वो भी सही है गाइस। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो और आपको बंद कर देनी है करनी। नंबर वन, आप अपनी छाती के बाल बनाकर रखने हैं गाइस। आपकी छाती के बाल दिखते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो गाइस। अभी है ना फिलहाल ट्रेंड चल रहा है कि ऊपर की शर्ट के 2 बटन खोल के आप अपनी स्लीव्स को मोड़ लीजिए गाइस, आप सुपर हॉट लगने वाले हो गाइस। बट अगर आपका छाती का जंगल दिख गया ना गाइज, उस टाइम तो आप कूड़ा हो जाओगे, उसी टाइम आप शर्म से पानी पानी और कूड़ा हो जाओगे गाइज। तो आपको है ना अपने छाती के बाल बनाकर रखने हैं। कुछ लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि यार मैं छाती के बाल पेट के बाल बनाऊंगा तो ये दोबारा उगते आ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे गाइज। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बीएड्स के बाल भी तो बनाते हो, आप अपनी बीएड्स बनाते हो, अपने बगल के बाल बनाते हो कि ये दोबारा उगकर नहीं आते, आपके हेयर्स नहीं आते, ये गाइज आपके दिमाग में मिथ है। आप साहिल खान को, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को ले लीजिए, वो अपने छाती के बाल अपने पेट के बाल बनाकर रखते हैं गाइस। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक शर्ट लेके 2 बटन खोल लेने, आप सुपर हैंडसम एंड सेक्सी लगने वाले हो। तो आपको ये मिथ निकाल लेना है, अपने छाती के बाल बनाने हैं, ठीक है गाइस। नंबर 2 पे मैं आपको बता देता हूँ, आप टी शर्ट के अंदर आपको बरियान नहीं पहनना है बिल्कुल भी। अगर आप बरियान पहनते हो तो वो दिखना नहीं चाहिए गाइस। आपकी टी शर्ट अगर हल्की है और बरियान दिख रहा है बाहर से तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल दिखाएगा, आपको बिल्कुल भी हैंडसम नहीं दिखाएगा, आपको छपरी दिखाएगा। तो आपको टी शर्ट के अंदर बिल्कुल भी बरियान नहीं पहनना है गाइस। और अगर आप हाफ निक वाली टी शर्ट पहनते हो तो आपको बिल्कुल भी बरियान नहीं पहनना है। अगर आप फुल स्लिम वाली टी शर्ट पहनते हो तो आप एक बार बरियान पहन सकते हो, बस उसका अंदर का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए आपके बरियान का। नंबर 3 पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अब भी चप्पल पहनते हो ना, तो पहले तो मुझे कमेंट करो कि हाँ यूवी भाई मैं चप्पल पहनता हूँ। आपको ये मिस्टेक्स करना बंद कर देनी है गाइस। चप्पल आप पहनो, पर आप 150 वाली यार थोड़ी महंगी थोड़ी कॉस्टली चप्पल ले लो गाइस। आप 100 रुपये में आपको एक मस्त चप्पल मिल जाएगी गाइस, अभी ट्रेंड में भी चल रही है वो चप्पल। आप अब भी हवाई चप्पल या फिर वैसी चप्पल पहनते हो तो आपको बिल्कुल नहीं पहननी, आप टेंशन मत लो गाइस। आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो मैं आपको हैंडसम एंड जेंटलमैन बना के रहूँगा गाइस। मैं भी ये मिस्टेक्स करता था पहले, मैं चप्पल्स पहनता था, फिर मुझे आगे नॉलेज हुई फैशन की, जब मैं ये सब करना बंद करा और मैंने 100 रुपये वाली चप्पल पहननी स्टार्ट कर दी, जो मुझे काफ़ी सेक्सी दिखाने लगी। आपको भी बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखाएंगे गाइस। अब ये जो नंबर 4 की मैं मिस्टेक्स बताता हूँ गाइस, आप ये करते होंगे और आपके घर वाले शायद ये ज़बरदस्ती भी करवाते हों गाइज। ये मिस्टेक जो है फैशन की, ये आपके घर वाले भी करवाते हों शायद। तो ये मिस्टेक है गाइज, आप तावीज़ वावीज़ पहनते हो ना गले में, पहनने गलत बात नहीं है गाइज, बट आप वो तावीज़ थोड़ा नीचा लूज पहनो गाइज, या फिर आप उस तावीज़ के ऊपर कोई चैन वैन मत पहनो। अगर आप कोई चैन पहनते हो उसके ऊपर तो तावीज़ से उलझ कर वो बहुत ज़्यादा भद्दा दिखाता है गाइज आपको। और आप तावीज़ कभी भी ज़्यादा ऊंचा मत पहने जो आपकी शर्ट से बाहर दिखे, आप नीचा तावीज़ पहनो। आप स्लिम पर तावीज़ बांध सकते हो, आप फुट में तावीज़ बांध सकते हो, वो भी आपको सेक्सी दिखाएगा अगर आप फुट में तावीज़ बांधोगे। और नंबर 5 की जो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है आपके लिए गाइज। आप कोई भी क्लॉथ्स पहनते हो, आप फॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हो या फिर आप जीन्स पैंट पहनते हो, आप उन क्लॉथ्स के साथ ये मिस्टेक्स करते हो गाइज। ये जो मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, ये आप शायद कुछ भाई करते होंगे, कुछ नहीं, अगर आप करते हो तो आपको आज से ही करना बंद कर देनी है। तो वो मिस्टेक्स है गाइज, आज अलग रंग के शॉक्स पहनते हो, शॉक्स, आपको सॉक्स अलग रंग के बिल्कुल भी नहीं पहनने, आपको अपने कपड़ों के मैचिंग के सॉक्स पहनने हैं गाइज। या फिर आप डार्क सॉक्स पहन सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा गाइज, आपको हरे भूरे नीले पीले पिंक ये सब सॉक्स बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं गाइज। और अब मैं आपको बता देता हूँ आपको बोनस टिप में आपको कौन से क्लोथ्स पहन सकते हैं गाइज। मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, आप जितने सिंपल सॉलिड कलर पहनोगे आपको उतना ही सेक्सी एंड हॉट दिखाएगा। आप कुछ भी लेने जाते हो बाजार में, अगर आपको सबसे सिंपल चीज़ दिख रही है ना गाइज, तो वो आपको उतना ही सेक्सी एंड हॉट दिखाएगी गाइज। चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लेने के लिए, फैशन की वीडियोज़ लेने के लिए।